खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा, काबुल की सड़कों में हुआ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। करनाल में आज होगी किसान की महापंचायत, लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल, मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे किसान। कानपुर के कुरसौली गांव में डेंगू का कहर, 5 लोगों की मौत, गांव के 30 लोग अस्पताल में भर्ती, खौफ की वजह से लोग घरों में ताला डालकर भागे। सतना जिले के युवा भाजपा नेता शिवम बड़ोलिया सतना के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, जो कि भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्य और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और सभी की समस्या का निराकरण सामने आकर करते हैं। शहर में बहुत सुंदर और साफ छवि के युवा नेता शिवम बड़ोलिया। बिस्कान थाने पर बवाल, एक शख्स की मौत के बाद आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने थाने में की तोड़फोड़, भारी पुलिस बल किया गया तैनात। हमें माली समाज द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर युवा नेता शिवम बड़ोलिया के नेतृत्व में गुरुजनों का किया गया सम्मान, जिसमें राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ से आए हुए, क्योंकि मैं सबका नाम स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस स्तर पर आ गया है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम कोई भी हो, चाहे वो गरीबों को खिलाना हो, चाहे वो कोरोना काल जैसी महामारी पर जरूरतमंदों की सेवा करना हो, चाहे वो स्वच्छता के लिए आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के हमारे बच्चे आज शिक्षा प्राप्त आगे कार्य करें, है ना, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस गिरोह के लोगों को पन्ना पुलिस की गाड़ी से निकालकर सतना पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। दोनों जिले की पुलिस में आपस में जमकर हुई धक्का मुक्की, लोगों में चर्चा का विषय है कि दोनों जिलों के पुलिस कर्मियों में आपस में श्रेय लेने के चक्कर में हुई झड़प। रीवा जिले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहले ही दिन सड़क पर उतरे नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी प्रतिभा शर्मा भी रहे साथ। थाना प्रभारियों को एसपी ने दिया पहला फरमान, समस्त थाना प्रभारी शाम को थाने के स्टाफ अपने क्षेत्र में करेंगे पैदल भ्रमण। चोरों का आतंक जारी, देर रात सतना रोड कृष्णनगर कॉलोनी में एक घर से चोरों ने 2 साइकिल की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात हुई कैद। कारनामों के चलते सतना जिला अस्पताल में हर दिन हंगामे होते ही रहते हैं। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ पाई गई, पर्ची काउंटर में भारी भीड़ होने का फायदा उठाकर सक्रिय हुए चोर गिरोह, भीड़ का फायदा उठाते हुए सामान पलक झपकाते गायब कर देते हैं चोर। रामपुर बगेलान से इलाज करवाने आई युवती का जिला अस्पताल पर्ची कटवाते समय भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी ने पर्स पार कर दिया, जिसमें 1200 रुपए नगद, आधार कार्ड, एटीएम रखे थे। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई। तो क्या अब सतना में भी बेखौफ है अपराधी? सतना जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है, यह हम नहीं कह रहे बल्कि सप्ताह भर में हुई आपराधिक घटनाओं ने साबित कर दिया है। ज्यादातर अपराध महिलाओं को लेकर हो रहे हैं। सप्ताह भर में हुई घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो टुकुरिया टोला में चाकू मारकर हत्या, बरौंदा में लूटपाट, सिविल लाइन में युवती से मारपीट। चिंतनीय पहलू यह है कि घटनाओं पर लगाम कैसे लगे। माह की अमावस्या को लेकर चित्रकूट में भारी भीड़, सुबह से ही मंदाकिनी में स्नान कर भगवान मद गजेंद्र नाथ शिव के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। इस महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे ने रैगांव विधानसभा में होने वाले चुनाव की चर्चा की और कहा, रैगांव विधानसभा में आने वाले ग्रामीण गांव के बिजली और पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इन मुद्दों पर कांग्रेस करेगी काम। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।